हाय गाइस, आप सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज का वीडियो में बताएंगे नोवा क्राउन क्रशर में कितना ऑयल लगता है और कौन कौन सा ऑयल लगता है, वो सब कुछ बताएंगे आज का वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ अब तक पहले पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अपना चैनल में क्रेशर संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों, नोवा क्राउन क्रशर में दो तरह का ऑयल लगता है। एक है आपका हाइड्रोलिक ऑयल और दूसरा है लुब्रिकेशन ऑयल। अभी जो ऑयल को हम डाल रहे हैं यह है हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल का नंबर है 80W90, मैक कंपनी का है। दूसरा ऑयल को जो हम डालेंगे लुब्रिकेशन टैंक में, यह 320 का ऑयल है लुब्रिकेशन के लिए। तो यह है लुब्रिकेंट ऑयल। तो दो तरह का ऑयल, एक है 80W90 और एक है 320। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, नोवा क्राउन क्रशर का ऑयल चेंजिंग का फुल वीडियो देखना चाहते हो, किस तरह से ऑयल टैंक सफाई करते हैं, ऑयल फिल्टर किस तरह से चेंज करते हैं, वो सब कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।